ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो आगे प्रेशर कुकर में बॉयल किया था उसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो गया। उसके बाद हमने ये स्टॉक में ग्रेवीज में पकाया, और जो ये रोस्टेड सीसम है इसके साथ बहुत ही अच्छा स्वाद जो सीसम है। ये देखिए पॉर्क फिट विद व्हाइट सीसम है। हेलो, आज मैं बनाने जा रही हूँ पॉर्क फिट विद व्हाइट सीसम है। चलिए देखिए, यह है 1 kg पॉर्क फिट, यह है 2 tablespoons गार्लिक पेस्ट, यह है 2 medium साइज कटा हुआ ऑनियन, यह है 1 tablespoon जिंजर पेस्ट, यह है 50 grams रोस्टेड व्हाइट सीसम, यह 5 green chilies, यह है 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, यह है 2 medium साइज चॉप टमाटोज। सबसे पहले मैं इसको बॉयल करूंगी। अब इसको सॉफ्ट करने के लिए 5 बार सीटी लगाइए, 5 times सीटी बजना चाहिए कुकर का। ये 5 सीटी हो गया, ये देखिए। और जो इसका स्टॉक है मैं इसको साइड पे रखूंगी, जब इसको ग्रेवी बनाऊंगी ना ऊपर से मैं डालूंगी ये स्टॉक। यह कुकिंग ऑयल अपना अंदाज से डालिए। टू मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, इसको हल्का सा ब्राउन बनाइए। और यह बॉयल पॉर्क फिट, टू टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon जिंजर पेस्ट, 1/2 teaspoon टर्मरिक, 1 tablespoon चिली पाउडर, ग्रीन चिली, और ये चॉप टमाटोज, वन टी स्पून सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा पानी,
और ये है रोस्टेड व्हाइट सिसमी, आप ऊपर से लगाइए इसको। इसको 3 मिनट ढक्कन लगा के अच्छा से पकने देंगे। बस ये 3 मिनट हो गया। अब मैं इसके ऊपर आगे जो मैंने इसको बॉईल किया था स्टॉक सूप, ये मैं ऊपर से डालती हूँ। ये है ऊपर से स्टॉक डालिए। अब इसको 15 से 20 मिनट्स तक इसको अच्छा से पकाने। ये देखिए तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो आगे प्रेशर कुकर में बॉईल किया था उसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो गया। उसके बाद हमने ये स्टॉक में ग्रेवीज में पकाया और जो ये रोस्टेड सीसम है इसके साथ बहुत ही अच्छा स्वाद जो सिसम है। ये देखिए पॉर्क फिट विद व्हाइट सिसम है।